करिए तो देश भर में उत्तरीय विस्तारों में भारे वरसाद नोंधाई रह्यो छे अने आ परिस्थिति दिल्ली में पण छे। दिल्ली में पण रेकॉर्ड ब्रेक वरसाद नोंधायो छे जेना कारणे यमुना नदी नुं जलस्तर भयजनक सपाटी ने पार करी गयुं छे। 3 लाख क्यूसेक पाणी छोड़ाता हवे मुश्केलीओ वधी छे। 204 नी भयजनक सपाटी वटावी दीधी छे अने हाल 207.49 नी सपाटीना कारणे पूरनी स्थिति जोवा मळी छे। हरियाणाना हाथीनी कुंडमांथी पण पाणी छोड़वामां आव्युं छे। અહીં 3 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવતા વધારે સમસ્યા સર્જાય છે તો અનેક નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં દુકાનોમાં પણ પાણી ઘૂસી ગયા છે। इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली के मॉनेस्ट्री मार्केट में हैं और देखिए किस तरह से यहाँ पर बारिश के बाद पूरी तरह से ये मार्केट जलमग्न हो चुकी है। मेरी हाइट अगर मैं बताऊं तो मेरी हाइट 6 फीट 2 इंच है और पानी यहाँ तक है। ये आप फ्रंट पर है, गेट पर है, लेकिन जैसे आप आगे जाएंगे, अगर मैं आपको आगे दिखाने की कोशिश करूं, जहां तक आपकी नजरें जा रही है वहां तक पूरा पानी भरा हुआ है। और ये वो दुकानें हैं जो अक्सर देखा जाता था, यहाँ पर भीड़ भाड़ काफी ज्यादा देखने को मिलती थी। यहाँ पर जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये वो दुकानदार हैं और इनकी दुकानें यहाँ पर हैं। इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह से जल जमाव को लेकर कितनी दिक्कतें हो रही हैं या फिर किस तरह से ये जल जमाव जब हुआ है उसके बाद अब इनकी परेशानी का निदान कैसे हो रहा है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा गगनदीप सिंह। गगनदीप जी, आपकी दुकान है यहाँ पे? सर ये मेरी दोनों दुकान आप देख रहे हैं, दोनों दुकान मेरी है। ये जल भराव कब हुआ, कितना दिन हो गया? कल था, बिल्कुल थोड़ा बहुत था और हमें कोई फॉर्म नहीं था। आज सुबह ये 8 बजे पानी, 8, 8:30, 9 बजे ये पूरा पानी धीरे धीरे होते होते पूरा एकदम होगा। हमें कोई भी इन्फॉर्म नहीं करा गया कि इतना पानी आ जाएगा, कोई इसका मतलब अल्टीमेट सामान। अब आप देख रहे हैं, हमें बोला ही नहीं गया, हम कहाँ से सेफ करते हैं, इसमें पूरा पानी लगा हुआ, पूरा आपके सामने फ्रिज देख रहे हैं खराब हो रहा है, दुकान में पूरा पानी जा रहा है। जितना बाहर था वो सेफ कर लिया, अदरवाइज हम सेफ कर नहीं पा रहे। पीछे गोदाम आप देखेंगे मेरा, मैं गोदाम भी पूरा समय डूब चुका हूँ। आपकी दुकान किस चीज़ की थी? सर मेरा शूज, ये बैग और शूज का काम है, ये बैग की दुकान है। सारा माल दुकान के अंदर, दुकान यानी कि माल खराब ही है सर। आप देखिए, अच्छा अभी अभी क्या स्थिति लग रही है? आप तो दुकानदार है तो आपका सामान जा रहा है, आपको परेशान है, लेकिन क्या कहा जा रहा है, कैसे पानी निकलेगा? ये सर कुछ भी नहीं बताया जा रहा, कोई भी नहीं बोला। आप लोग तब भी पता कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस या इनके यहाँ से कोई भी, दिल्ली सरकार की तरफ से हमें कोई भी नहीं मिल रहा अल्टीमेट के लिए कि एक दिन में हट जाएगा, 2 दिन में हट जाएगा, रात तक कम हो जाएगा। कोई कुछ बोले, कुछ करे, कोई बताए, मतलब कोई बता ही नहीं ऐसा। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बैठकें लगातार की जा रही हैं बाढ़ से निपटने के लिए। ये वो खाली आप ये बताइए, हवा में दिखाई जा रही है क्या? हमारे यहाँ पर आके देखिए ना, आपको यहाँ आप आए हुए हैं, आपको कोई, आपको खुद भी कोई दिल्ली सरकार का कोई नुमाइंदा दिख रहा है आपको? आप मेरे लिए हमें तो देखने को नहीं मिल रहा कुछ। आप देखिए, हम लोग कोई भी नहीं मिल रहा यहाँ पर। कोई पिछली बार 2013 में बोट चली थी, सामान के लिए हेल्प हुई थी, थोड़ा खाने वाने के लिए भी बोला गया था कि कोई दिक्कत है तो खाने के लिए। इस बार आप देखिए, हमें कोई मतलब ही नहीं है सर। कोई पूछा जा रहा है आपका भी दुकान है? मेरे दुकान है। कौन सा दुकान है? मेरे 24 शॉप नंबर है। अगर हम यहाँ से आगे जाते हैं तो यहाँ से हम अगर आगे जाते हैं तो पानी मुझे लगता है और ज्यादा बढ़ता है, मैं डूब जाऊंगा। 7 फीट पानी है। अच्छा, वहाँ पे 7 फीट पानी, 7 फीट पानी में दुकान के सामने सर। देखिए मेरी हाइट 6 फीट है और ये बता रहे कि 7 फीट, यानी कि मैं भी वहाँ पर जाऊंगा अगर तो वहाँ पर डूब सकता हूँ। आप डूब जाओगे सर? आप बताइए, आपकी भी शॉप है यहाँ पे? अच्छा, ये भी आपकी, आपका भी सामान अंदर ही था, नहीं चला कि पानी कब आ गया। बिल्कुल, अगर मैं आप आगे चलकर दिखाने की कोशिश करूं, जिस तरह से ये दुकानदार भाई हैं वो कह रहे हैं कि पानी आगे बहुत ज़्यादा है और देखिए पानी मेरे यहाँ तक आ चुका है। और जिस तरह से दुकानदार भाई कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप आगे जाएंगे 6 से 7 फीट पानी आगे आपको देखने को मिल सकता है। देखिए मैं अब पानी मेरे कमर तक आ चुका है। मैं अभी जो फ्रंट है, ये मार्केट का फ्रंट गेट है, वहाँ से महज देखा जाए तो 20 से 25 कदम भी नहीं आया हूँ। ये दुकानदार अपने अपने दुकान के सामान को अब निकाल रहे हैं क्योंकि इन्हें पहले से नहीं पता था कि अगर बारिश इस तरह से होती है या फिर जलजमाव इस तरह से होता है तो आने वाले समय में परिस्थितियाँ कितनी विकट हो सकती हैं। दिल्ली पुलिस के जवान अब देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं, उतर रहे हैं और जिस तरह से ये भी एडवाइजरी जारी की गई थी। देखिए यहाँ से हम अगर अपने कैमरामैन से कहें दिखाने के लिए, देखिए दुकानदार भाई अपने दुकान से खुद पानी निकाल रहे हैं और दिल्ली सरकार की तरफ से ये अभी भी कहा जा रहा है कि देखिए अब लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है
पानी वाकई में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक रस्तोगी है। दीपक जी आपकी भी शॉप है? मेरी यहाँ 78 शॉप है। आपका सब दुकान का सामान यहीं पर पड़ा हुआ था और पानी आ गया, कैसे मालूम चला? हमारे को कल इन्फॉर्म हो गया था हमारी मार्केट एसोसिएशन से, हमारे गवर्नमेंट से कुछ पता नहीं लगा था, तो हम लोगों ने सामान शिफ्ट करा है और सुबह रात भर यहीं से अभी सामान शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि पानी एकदम 30 फीट से पहले कभी नहीं बढ़ा, इतना पानी कभी हमने नहीं देखा। मैंने यहाँ 78 से शॉप है, मैंने 30 फीट से बढ़ता पानी कभी नहीं देखा। आप कब से यहाँ पे? मैं 78 से मुझ शॉप 78 से दुकान है। बिल्कुल 13 साल की उम्र से आप यहाँ पर हैं और इतना पानी आपने कभी नहीं देखा? स्पीड से पानी देखा मैंने, 88 की बाढ़ भी देखी है, 91 की भी देखी है और 78 की भी देखी है, पर इस बार पानी की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। और अब देखो, अब दिल्ली पुलिस का इन्फॉर्म पहली बार यहाँ पर देने आएगी, जब यहाँ हम डूब चुके हैं, मतलब यहाँ पर आगे हमारे यहाँ दुकान पर 6.5 फीट पानी है, यहाँ पे 3.5 फीट पानी है। जहाँ सुबह कितना पानी था? सुबह यहाँ पे 3.5 फीट पानी था, जो कि अब 6.5 फीट हो चुका है, यानी कि बहुत स्पीड से पानी बढ़ रहा है। पानी बहुत स्पीड से बढ़ रहा है जी। आप बताइए सर, आप भी यहीं पर दुकानदार हैं? हाँ जी हाँ जी। आप बताइए सर, आपकी कौन सी दुकान है और कितना पानी यहाँ पर भर रहा है? मेरा है शॉप नंबर C8। पानी मतलब मैं जब से 2000 से मैं आ रहा हूँ दुकान पे, तो इतनी स्पीड से पानी आज तक मैंने बढ़ते हुए देखा नहीं है। पानी को बढ़ने में टाइम लगता है काफ़ी, और अब पानी इतनी स्पीड से बढ़ा है, सुबह पानी बहुत कम था और अब इतना पानी हो गया है कि हम अपनी दुकान तक जा नहीं सकते। आपकी दुकान अगर हम लाश की मान लें तो अगर वहाँ जाएं तो हम और आप डूब सकते हैं? हाँ, बिल्कुल 7 फुट पानी है बस। और हम भी महसूस कर रहे हैं कि अभी यहीं पर खड़े होकर बात कर रहे हैं तो पानी का स्तर बढ़ रहा है यहाँ पर भी, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी 1-2 घंटे में 2-3 इंच ही पानी बढ़ रहा है। सरकार की तरफ से तो यही कहा जा रहा है, टीवी पर देखने को मिल रहा है कि भाई बैठकें चल रही हैं, युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं दिल्ली सरकार की। अब आप लोग जमीनी स्तर पर, आपकी दुकान है यहाँ पर, आप लोग अच्छे से बताएंगे। सर कहने में क्या जाता है, कहने में तो आप भी कुछ कह रहे हो, लेकिन असल में आप देखो, आपको भी सरकार का कोई नुमाइंदा, आप अभी गेट से एंट्री गए होंगे, आपको कोई सरकार का एक नुमाइंदा नहीं? हमें तो कोई नहीं दिखाई दिया। तो जब आपको नहीं दिखाई दिया तो हमें भी सुबह से कुछ नहीं आया, जो हेल्प हो रही है आपस में एक दूसरे के पड़ोसी हेल्प कर रहा है, बाकी सरकार का कोई हेल्प नहीं है। बिल्कुल देखिए, अब एडवाइजरी जारी की जा रही है, अनाउंसमेंट दिल्ली पुलिस के जवान हैं एक बहुत ही शिद्दत से अब कह रहे हैं कि पानी बिल्कुल, ये जो प्रिमाइसेस आप देख रहे हैं जहां पर हम इस वक्त पहुंचे हैं, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो मुझे भी खुद डर लग रहा है कि पानी जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, अगर आप आगे जाएंगे तो आप भी पूरी तरह से डूब सकते हैं। दुकानदार भाई अपने सामान को इस कंडीशन में भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो सामान उनके पास है जो बचा सके। देखिए अभी भी यूं पानी में घुस घुस कर उनकी आखिरी कोशिश है कि कम से कम जितना सामान अभी ख़राब नहीं हुआ है जिससे बचाया जा सकता है, कम से कम उसे भी वो बचा लें, ताकि कम से कम यही एक रोजी रोटी का साधन होता है दुकानदारों का। और अब स्थिति बद से बदतर होती दिखाई दे रही है। अब मैं आगे आ रहा हूँ तो आप देखिए, अब पानी धीरे धीरे यहाँ पर कम हो रहा है, लेकिन जितनी तेजी से निकल कर देखा जा रहा है कि वहाँ से, अब देखिए मैं अगर दिखाऊँ, जो अभी बात कर रहे थे हमसे, वो आगे जा रहे हैं, अब उनके चेस्ट से पानी चेस्ट तक उनके पहुँच चुका है, और इससे आगे अगर हो गए तो तेजी से पानी यहाँ पर बढ़ रहा है, और आने वाले समय में अगर यूं ही जलस्तर बढ़ता रहा तो समस्याएं और भी विकट हो सकती हैं। वैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो दावे कर रहे हैं कि बैठकों का दौर चल रहा है और युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की तमाम तैयारियों का जायजा यहाँ पर झूठा साबित होता दिखाई दिया। और अगर मैं बाहर की तरफ भी, अगर अपने कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना से कहूँ दिखाने के लिए, तो बाहर भी देख लीजिए कि दिल्ली सरकार के नुमाइंदे कितने यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। मुझे तो एक भी नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। अगर कोई है तो देखने वाले लोग हैं, या फिर मीडिया के लोग हैं, या फिर वो लोग हैं जिनकी दुकानें यहाँ पर पानी में डूब रही हैं, दुकानों का सामान पूरी तरह से खराब हो गया है। वैसे देखना आम होगा कि जितनी तेजी से पानी यहाँ पर इस प्रिमाइसेस में भर रहा है, एडवाइजरी जारी की जा रही है कि यहाँ से जितने लोग अंदर हैं, अब देखिए अगर मैं लास्ट फ्लोर पर दिखाने की कोशिश करूँ, देखिए अभी जिन दुकानदार भाइयों से हम बात कर रहे थे, वो उनका गला तक उनके पानी पहुंच चुका है, सीने से ऊपर तक पानी पहुंच चुका है। और ये बातें हवा हवाई बातें नहीं है, ये बातें मैं खुद कह रहा हूँ। मेरी हाइट 6 फीट 2 इंच है और मैं वहाँ तक तो नहीं गया था, लेकिन जहाँ तक गया था पानी आप देख सकते हैं कमर से ऊपर तक पहुँच चुका था। तो स्थिति अब बद से बदतर आप कह सकते हैं हो रही है इस मोनेस्ट्री मार्केट की, और जो कि पास में ही देखने को मिल रहा है यमुना भी है, तो कहीं ना कहीं हालात बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, गुजरात फर्स्ट, दिल्ली।